बीवी की कोमलिका हिना खान इस वक्त जिस दुख से गुजर रही हैं, ईश्वर ना करे किसी को ये दिन देखना पड़े। कुछ टाइम से हिना खान के घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले तो हिना खान ने अपने पिता को खो दिया, उसके बाद हिना खान भी वायरस की शिकार हो गई। अचानक हुई इन घटनाओं ने हिना खान को अंदर ही अंदर तोड़ दिया। वायरस होने की वजह से हिना खान अपनी माँ और परिवार का साथ भी नहीं दे पा रही है। हिना खान इस वक्त अपनी माँ को अकेला छोड़कर बहुत परेशान है। कुछ समय पहले हिना खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपनी बेबसी जाहिर की थी। इस लंबी चौड़ी पोस्ट में हिना खान ने अपना दर्द बयां करने की कोशिश की है। शेयर की गई फोटोज में हिना खान अकेली गुमसुम बैठी नजर आ रही है। रिपोर्ट पॉजिटिव होने की वजह से हिना खान के चेहरे पर मास्क है और उदासी भी दिखाई दे रही है। फोटो में हिना खान बहुत दुखी नजर आ रही हैं। इन फोटोज को शेयर करते हुए हिना खान ने लिखा, मैं एक बेबस बेटी हूँ जो अपनी माँ का दुख नहीं बांट पा रही हूँ। मेरी माँ को इस समय मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये समय लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त होता है। आप ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोग भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। कहावत है कि बुरा समय कभी खत्म नहीं होगा। लोग मजबूती के साथ अपने समय को बदल देते हैं। मैं मेरे पापा की स्ट्रांग बेटी हूँ और हमेशा रहूंगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखना ना भूलें। हिना खान की ये पोस्ट देखकर उनके फैंस भी इमोशनल हो गए। फैंस हिना खान को हिम्मत देने की कोशिश कर रहे हैं। वही टीवी सितारे भी हिना खान को इस बुरे वक्त में सपोर्ट कर रहे हैं। हिना खान की इस पोस्ट पर गौहर खान, रॉकी जायसवाल, प्रियांक शर्मा, रुवीना दिलाइक, टीना दत्ता, अर्जुन विजलानी और शुभांगी आत्रे जैसे टीवी सितारों ने कमेंट कर उन्हें सपोर्ट किया। बता दें कुछ समय पहले हिना खान ने अपने पिता को खोया। अटैक की वजह से हिना खान के पिता ने आखिरी सांस ली थी। पिता को खोने के बाद हिना खान ने सोशल मीडिया को भी कुछ टाइम के लिए अलविदा कह दिया है। हाल ही में हिना खान की टीम ने उनकी आगामी प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। मशहूर एक्ट्रेस हिना खान पर दुखों का पहाड़ तो तब टूटा जब उन्हें अपने पिता के निधन की खबर मिली। हिना खान के पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दुख की बात तो यह है कि पिता के निधन के वक्त हिना खान उनके करीब भी नहीं थी। वो शूटिंग के चलते कश्मीर गई हुई थी। हिना आखिरी बार अपने पिता का चेहरा भी नहीं देख पाई। और फिर जिस तरह से देश दुनिया में बीमारी फैली है, उसके बाद तो हर कोई डरा बैठा है। हालांकि हिना के पिता तो हार्ट अटैक की वजह से गए, लेकिन बाहर बातें तो कुछ और ही बन रही है। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि जरूर हिना खान के पिता भी खतरनाक बीमारी के शिकार हो गए होंगे। और उसके बाद तो हिना खान के पिता के पास कोई जाना भी नहीं जा रहा था। शायद इसलिए हिना को उनके पिता की बॉडी दिखाई भी नहीं गई। हिना को जब अपने पिता की खबर मिली तो वो वहीं फूट फूट कर रोने लगी और वो फौरन मुंबई के लिए रवाना हो गई। और आज हिना अपने पिता के अंतिम दर्शन करेंगी। दादी हिना खान अपने पापा के बहुत करीब थी। वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपने पिता के साथ फोटोज और वीडियो पोस्ट करती थी। टीवी एक्ट्रेस हिना खान एक ट्रेडिशनल कश्मीरी परिवार से। शुरुआत में उनका एक्ट्रेस बनना किसी को पसंद नहीं आया था। एक बार हिना ने बताया था कि उनके एक्टर बनने की बात सुनकर उनके पिता सन्न रह गए थे और उनकी मां के रिश्तेदारों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। हिना ने टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता से अक्षरा का किरदार निभा कर खूब लाइमलाइट बटोरी। हिना अपने माँ बाप को बिना बताए मुंबई में शिफ्ट हो गयी थी। उस वक्त वो महज 20 साल की थी। प्रोफेशन की वजह से लोगों ने उनकी मदद भी की। ये बात अपने पापा को ये बताने में हिना को हफ्ते लग गए थे। पिछले दिनों हिना और उनके पापा का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में हिना खान अपने पापा से बात करती हुई दिखाई दे रही थी। उनके पापा हिना को बता रहे थे कि उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड बंद कर दिए गए। हिना के बढ़ते खर्चों से परेशान उनके पापा ने जब ये कदम उठाया तो एक्ट्रेस शॉक रह गई। वो वीडियो में कहती हुई नजर आ रही थी कि मेरे पास कोई डेबिट क्रेडिट कार्ड ही नहीं है, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया। इसके बाद हिना के पापा ने जवाब दिया कि उन्होंने कार्ड बंद कर दिए क्योंकि लॉकडाउन के वक्त उन्हें पैसे बचाने चाहिए। वर्क फ्रेंड की बात करें तो एक्ट्रेस हिना खान ने टीवी ये रिश्ता क्या कहलाता से डेब्यू किया था और इस शो में वो अक्षरा के किरदार से खूब नाइटमाइट में आई थी। अक्षरा के किरदार में दर्शकों ने हिना को खूब पसंद किया था। इसके बाद हिना खान बिग बॉस 11 से खूब चर्चा में रही और वो अब तक लोगों की पसंदीदा स्टार है। टीवी की संस्कारी बहू अक्षरा यानी हिना खान अब संस्कारी बहू नहीं रही। वो काफी बोल्ड और ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं। हिना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। वो हर रोज अपनी कोई ना कोई हॉट फोटो शेयर कर फैंस के दिलों की धड़कनें तेज करती हैं। और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर हिना की फैन फॉलोइंग ताबड़तोड़ है।
लेकिन खास बात यह है कि जो लोग हीना को अक्षरा के रूप में संस्कारी बेटी बहू समझते थे, उन्हें हीना का ये ग्लैमरस लुक और बिकनी लुक बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हाल ही में हीना खान ने कुछ बोल्ड फोटो शेयर कर दी थी, जिन्हें देखकर लोगों ने उनकी सवाली बांध दी थी और उनके मजहब पर भी सवाल उठा दिए थे। और अब तो एक फैन ने उन पर केस करके जेल पहुंचाने तक की बात कह दी है। घबराइए मत, उस फैन ने हीना खान पर कुछ ऐसा वैसा केस नहीं किया, बल्कि उनकी हॉटनेस से परेशान होकर उन पे केस करने की बात कही है। हाल ही में हीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक आस्क मी क्वेश्चन सेशन शुरू किया था, जिसके चलते फैंस ने उनसे जमकर सवाल किए। हीना ने भी बेझिझक जवाब दिए। इसी बीच उनके एक फैंस का सवाल चर्चा में आ गया। फैंस का सवाल जानकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि खुद हीना खान ठहाके लगाकर हंसती नजर आई। हीना के स्टाइल और हॉटनेस के तो सभी दीवाने, और इस खास फैंस ने उनकी हॉटनेस के लिए एक सवाल कर दिया, जिस पर उन्होंने मजेदार जवाब भी दिया। सवाल था कि मैं आपके ऊपर केस करूंगा कि इतनी गर्मी में आपकी हॉटनेस हमें मार डालेगी। इस पर हीना ने जवाब में लिखा, कर दीजिए, साथ ही हंसने वाली इमोजी भी बनाई। बस देखते ही देखते ये सेशन तेजी से वायरल हो गया और हीना के पास फैंस के सवालों का तांता लग गया। आपको बता दें, हीना ने ये रिश्ता क्या कहलाता से एक्टिंग की दुनिया में डेब्यू किया था। इस शो में वो अक्षरा के किरदार से खूब फेमस हुई, लेकिन बिग बॉस में आने के बाद उन्हें एक अलग ही पहचान मिली। उनका लुक बिल्कुल बदल गया। हीना बॉलीवुड में भी डेब्यू कर चुकी हैं। वो विक्रम भट्ट की फिल्म हैक्ड में लीड रोल में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा हीना का एक म्यूजिक वीडियो बेदर्द भी हाल ही में रिलीज हुआ था। टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हीना खान इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मना रही हैं। वो अभी वापस घर भी नहीं आई कि उन्हें रास्ते में बुरी खबर मिल गई। रास्ते में ही हीना का रोते रोते बुरा हाल हो गया। कोई और बात होती तो हीना बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन वो अपने पापा की बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। जी हाँ, लोगों ने न केवल उनके पापा को लेकर गलत बात कही, बल्कि धर्म का अपमान करने का भी इल्जाम लगा दिया। दरअसल मालदीप में वेकेशन मनाती हीना के एक साथ कई रंग देखने को मिल रहे हैं। कभी वो बीच किनारे खड़ी होकर स्विम सूट में पोज देती नजर आ रही हैं, तो कभी अंडर वाटर फोटो शूट में अपने जलवे दिखा रही हैं। हीना का बेहतरीन अंदाज देखने को मिल रहा है। ब्लू स्विम सूट में हीना ने एक से एक बढ़कर पोज दिए। स्विमिंग सूट में हीना ने ऐसे पोज दिए जिसमें उनका स्टनिंग लुक भी देखने को मिला। हीना इससे पहले भी कई बार मालदीव जा चुकी हैं और हर बार उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हीना का जो लुक देखने को मिला है उसने लोगों को निराश कर दिया। लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर देखा जा रहा है। उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि तुमने तो मुस्लिम धर्म का ही अपमान कर दिया, तुम्हारे अब्बा ने यही सिखाया है, तुम्हारे अब्बा को भी तुम पर शर्म आ रही होगी, थोड़ी तो शर्म करो, अपने पापा से नजरें मिलाने के लिए कपड़ों पर ध्यान दो। जी हाँ, कुछ इस वक्त ऐसे ही हीना खान को गंदे कमेंट्स मिल रहे हैं। लोग उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर रहे हैं। लोगों ने हीना खान के पापा को भी ट्रोल किया। आपको बता दें, हीना खान ने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता से अच्छी खासी पहचान बनाई दी, लेकिन उनके इस लुक ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद वो बिग बॉस 12 से हिट हो गई और आज भी उन्हें बिग बॉस के लिए अप्रोच किया जाता है। बिग बॉस की खास मेहमान मानी जाती है हीना खान।